बस्तर, जिसका पुराना नाम दंडकारण्य है, इसके पहले इस भूमि का नाम था भ्रमरकोट। बस्तर वह भूभाग है जहाँ छिंदक नागवंशियों का राज्य था। 1313 के पहले तक बस्तर में छिंदक नागवंशियों का राज था। चूँकि ये जो नागवंशी राजा थे वो शिव उपासक थे, जिसको हम लोग बोलचाल में शैव या वैष्णव बोलते हैं, ये लोग शैव उपासक थे। इस कारण बस्तर में आप जहाँ भी देखेंगे शंकर भगवान, पार्वती, गणेश, कार्तिक, नंदी या गणेश शिव परिवार की मूर्तियाँ हमको ज़्यादा मिलती है। चूँकि बस्तर के जो राजा थे नागवंशी थे, इस कारण जहाँ जहाँ उन्होंने मंदिर बनवाया या जो मूर्तियाँ बनवाई, शिव परिवार की मूर्तियाँ बनाए, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए गणेश जी में कमर में नाग बनाए, है ना, या अन्य मूर्तियों में आप देखेंगे, शिवलिंग भी आप देखेंगे तो शिवलिंग में भी नाग को लिपटा हुआ उन्होंने बनाया है। मतलब हम शिव के भक्त हैं, नाग जो शिव के भक्त हैं, ये बात को दर्शाने के लिए इन्होंने हर जगह अपना नाग की प्रतिमाओं का उल्लेख किया या चित्रण किया। इसी कारण बस्तर में हैं जितने भी आप इंद्रावती नदी के दक्षिण में जितने भी आप गणेश जी के प्रतिमा देखेंगे, चाहे बारसूर का देख लीजिए, चाहे आप ढोलकल का देख लीजिए, चाहे वो अपना दंतेवाड़ा का देख लीजिए, कहीं का भी आप गणेश जी के प्रतिमा देख लीजिए, उनके क्योंकि इन्होंने नागवंशी राजाओं ने बनवाया है, इस कारण उनके कमर में बाकायदा एक कमरबंद के नाम से कहा जाए या एक श्रृंगार के रूप में नाग की प्रतिमा हर प्रति गणेश प्रतिमा में इन्होंने बनाई है। देखिए, बस्तर की संस्कृति सभ्यता जो है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कह सकते हैं हम, और बिल्कुल अलग है सबसे। यहाँ पर नागवंशी राजाओं का एक प्रभाव रहा है 13वीं शताब्दी के आसपास, और शिव पार्वती और गणेश की जो उपासना है ये बहुत बड़ा हो रहा है, एक धार्मिक प्रभाव यहाँ के लोगों में। तो आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले जो मूर्तियाँ बनाई होंगी मूर्तिकारों ने, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सांप के रूप में, नाग के रूप में गणेश जी के साथ में शंकर जी को जोड़ने की कोशिश की होगी, एक साथ पिता पुत्र को दिखाने की कोशिश की होगी, या फिर जो नागवंशी राजा थे उन्होंने अपना एक प्रतीक छोड़ा होगा मूर्तियों पर, मूर्तिकारों ने छोड़ा होगा प्रतीक। तो कहीं ना कहीं जो आप देखते हैं कि गणेश की जितनी प्रतिमाएँ मिलती हैं प्राचीन भारत अपना बस्तर क्षेत्र में, उसमें जो नाग जो है कभी जनेऊ के रूप में, कभी पेट में सिंगार के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कभी गले में दिखाई पड़ते हैं कई जगहों पर, उसके पीछे कारण वही है कि शिव को गणेश से जोड़ते हुए दिखाया गया, या फिर नागवंशी राजाओं का जो प्रभाव था, जो वो था एक सिंबल था, वो उन प्रतिमाओं में दिखाने की कोशिश की गई होगी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कारण है वो यही रहा होगा कि उन्होंने अपनी सभ्यता की एक छाप छोड़ी होगी मूर्तियों पर, उनको पता होगा कि 1000 साल बाद भी ये मूर्तियाँ सामने आएंगी, लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे उस काल को याद करेंगे चीज़ों के माध्यम से। तो यही इसके पीछे कारण है।